भारतीय टीम के पूर्व चयनकर्ता और खिलाड़ी सरनदीप सिंह ने टीम के चयन के होने वाले मीटिंग के दौरान कप्तान कोहली के व्यवहार को लेकर बड़ा खुलासा किया। सरनदीप सिंह ने बताया कि चयनकर्ताओं के साथ मीटिंग के दौरान विराट का आचरण बेहद ही सहज होता है। उनके साथ काम करना आसान होता है क्योंकि वो अपने आसपास मौजूद लोगों की राय सुनते हैं और उनका सम्मान करते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने कहा कि कई लोगों को लगता है कि कप्तान और कोच शास्त्री भारतीय टीम का चयन करते हैं, चयनकर्ताओं की राय को महत्व नहीं देते, लेकिन ये सच नहीं बल्कि महज एक अफवाह है। कोहली मीटिंग के दौरान हर व्यक्ति की बात का सम्मान हो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि विराट जब भी आते हैं तो टीम मीटिंग में एक से डेढ़ घंटे तक चलती है। विराट एक बहुत अच्छे श्रोता है, उनके बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि कोहली जब मैदान पर होते हैं तब चाहे वो बैटिंग कर रहे हो या फील्डिंग, उनका रवैया हमेशा आक्रामक रहता है, लेकिन मैदान पर वो जितने आक्रामक हैं उतने ही सरल स्वभाव के भी हैं। टीम के चयन की मीटिंग के दौरान विराट का स्वभाव बेहद विनम्र होता है, वो सबकी राय सुनने के बाद ही कोई निर्णय लेते हैं। सरनदीप सिंह ने यह भी कहा कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोहली के घर पर एक भी नौकर नहीं है, इससे उनके स्वभाव का पता चलता है। उनके घर जब भी कोई मेहमान आता है तो वो और उनकी पत्नी अनुष्का खाने की सभी व्यवस्था खुद करते हैं। आपको और क्या चाहिए, टीम के सभी खिलाड़ी विराट की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, वो एक बेहद मजबूत इंसान है। 41 साल के सरनदीप का मानना है कि क्रिकेट के मैदान पर कोहली से सभी को बेहतरीन प्रदर्शन की अपेक्षा होती है। उन्होंने कहा कि टीम का कप्तान होने के चलते मैदान पर विराट का आक्रामक होना बेहद ज़रूरी है। मैच के दौरान सारा दबाव उन पर होता है क्योंकि मुश्किल पलों में उन्हें ही निर्णय लेने होते हैं, यही वजह है कि विराट जैसा कप्तान हो नहीं सकता। हालांकि सरनदीप सिंह ने यह बयान क्यों दिया है ये थोड़ा सा समझ से परे है, लेकिन बड़ी बात यह है कि विराट कोहली और रवि शास्त्री की टीम चुनने के बाद कई तरीके के सवाल हमेशा से उठते रहे, जैसे कि रोहित शर्मा को टीम से बाहर करना और फिर उन्हें अंदर ले आना। ANP न्यूज़ रूम से विजेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट।